नमस्कार दोस्तों, मैं सदफ खान, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी सर्कल में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल शाम ही यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है और जामिया के कुल 25 छात्रों ने सिविल सर्विस परीक्षा को क्वालिफाई किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जामिया से 10th रैंक और ऑल इंडिया रैंक में 326 रैंक पाने वाले नूह सिद्दीकी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं आज की कितना मुश्किल रहा इनके लिए सफ़र। सबसे पहले स्वागत है आपके नूह सिद्दीकी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा कि कितना मुश्किल रहा आपका सफ़र, इतनी मेहनत और सब करने के बाद आप 326 रैंक और जामिया की 10th रैंक पा पाए हैं। मुश्किल तो रहा है, इट टुक मी 36 इयर्स, मेरा 5th अटेम्प्ट रहा है और उसमें फेलियर्स भी देखे हैं काफ़ी, फिर इवेंचुअली आके सक्सेस मिली है। तो जब कभी फेलियर मिला है सोचते थे कि ब्रेक लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं लेकिन ब्रेक लेंगे, बट कंटिन्यू करते गए, ये होप में कि इम्प्रूवमेंट होता रहा है और फाइनल रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आज देखिए रिजल्ट आ गया है। तो आप सिर्फ क्या 6 सालों से इसी की तैयारी कर रहे थे या साथ में कुछ और भी कर रहे थे? जी मैम, इसी की तैयारी कर रहा था और जो है किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं किया था, फोकस इसी पर रखा था, टारगेट बड़ा सेलेक्ट किया था और सोचा था कि इसी पर एनर्जी देंगे। और मैं लकी था कि फैमिली सपोर्ट था, ये मामले फैमिली ने कभी फोर्स नहीं किया या कोई अदर ऑप्शन देखने के लिए बोला ही नहीं, तो ये मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी रही, जनरली कम होता है। अभी फैमिली का रिश्तेदारों का क्या है? वो तो मुझसे ज़्यादा बिजी हैं अभी मुबारकबादी लेने में, वालिद साहब स्पेशली वो काफ़ी कंसर्न रहे हैं, स्पेशली ना कि मैं अकेला बल्कि जो भी और स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे सिटी से, तो वो बस मुबारकबाद ले रहे हैं कल से और एक हिसाब से वही सेलेक्ट हो गए हैं ऐसा लग रहा है माशाल्लाह। हमेशा होता है कि जब भी कोई सक्सेस मिलती है तो उसमें हम क्रेडिट देते हैं रिश्तेदारों को, दोस्तों को या फिर कुछ अपने अजीज़ों को, तो आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैम ये लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, लेकिन अगर क्रेडिट देना है तो एक इंसान को मैं अपने वालिद को ही दूँगा, बिकॉज बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैंने तो ये कभी ऑप्शन सोचा नहीं था। 2012 में उन्होंने मुझे बताया कि यूपीएससी नाम की कोई चीज़ आती है और बीटेक कंप्लीट होने के बाद कि आप ये कीजिए, और फिर वो मेरे साथ पुणे आए, मेरे साथ वो दिल्ली आए बस लेवल पर, और अभी इंटरव्यू से पहले भी आके 10 दिन मुझे मोटिवेट करके गए यहाँ पर, तो हर स्टेज पर वो मेरे साथ में रहे हैं। तो रिजल्ट का अगर कोई अगर हकदार होता है तो मेरे वालिद साहब। तो आपने अपनी स्कूलिंग और बीटेक कहाँ से की है? महाराष्ट्र से की थी, औरंगाबाद से मैंने स्कूलिंग उर्दू मीडियम स्कूल से की थी और बाद में फिर इंग्लिश मीडियम से 11th ऑनवर्ड्स मैंने कंटिन्यू किया है, और यूपीएससी में भी मैंने उर्दू ऑप्शनल लिया है, जो सब्जेक्ट होता है उर्दू ऑप्शनल है, लेकिन मीडियम मेरा सारा इंग्लिश, इंटरव्यू मैंने इंग्लिश मीडियम में किया। अच्छा, तो जामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी के बारे में कब पता चला, यहाँ पर कैसे आपका आना हुआ? जब दिल्ली आए थे मैम, फर्स्ट आई केम टू ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, तो वहाँ से पता चला था कि जामिया भी एक इंस्टीट्यूट है जो कि वहाँ पर रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा है। तो मैंने 2013 से ट्राई करना शुरू किया था बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट 2014 में मैंने जब मेंस के लिए क्वालिफाई किया तो मुझे यहाँ पे एंट्री मिल गई, और फिर उसके बाद मैं यहीं पे ज़्यादातर वक्त मैंने निकाला है, और यहाँ की फैसिलिटीज़ स्पेशली जो टेस्ट सीरीज़ वाला मामला है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोऑपरेटिव मामला होता है, आप प्रिपरेशन से रिलेटेड जो ग्रुप होता है आसपास, सिलेक्टेड ऑफिसर्स आपके साथ प्रिपेयर करते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी बूस्ट करता है प्रिपरेशन। अच्छा, दोस्तों और परिवार के को क्रेडिट देने के अलावा कोई ऐसा भी हम लोगों का एक क्रेडिट हम देना चाहते हैं, तो कोई इतिहास का कोई आदमी होता है या आज के काल का कोई आदमी होता है, हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं अपना, तो ऐसा आपके लिए क्या रहा? मैम ये मामले में मेरी स्टोरी मेरे फादर से शुरू होकर उन्हीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेरा शुरू में ऐसा कोई विजन रहा ही नहीं कि मैं यूपीएससी करूँ, मैंने उन्हीं से ये सबक लिया, फिर वो मुझे मोटिवेट करते रहे, तो अभी भी मेरा जो अभी अगर मैं फर्दर आगे करियर में भी सोचता हूँ तो वो जिस तरीके से वो सोशल सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं, उस तरीके से मैं प्लान सोचता हूँ कि मैं वैसे ही करके चलूँ। अच्छा, एक सवाल जो हमेशा आईएएस वाली क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की जिसकी वजह से आप इतना सफल हो पाए? तो पढ़ना तो है, देखिए इसमें आपको कंप्लीट करना है क्योंकि आपका कंपटीशन जो है ऑल इंडिया लेवल पर है, और एग्ज़ाम से पहले पहले तो 16 घंटे पढ़ते हैं, और वैसे नॉर्मली तो 8 से 10 घंटे रोज़ाना की पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि फुल टाइम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो इतना दिक्कत नहीं जाती है, आराम से मैनेज हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर स्पेशली जब मेंस एग्ज़ाम होते हैं तो वो 7 दिन का आपको ना आपको अखबार पर नज़र जाती है ना आपके फ़ोन पर नज़र जाती है, आपको बस आप मोर लेस 18 घंटे दिन में पढ़ाई कर लेते हैं। आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, लगातार करते हैं, कुछ लोग 5 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 6 साल से कर रहे हैं, लेकिन लगातार असफल हो रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश, और जो आने वाली जनरेशन है जो प्रिपरेशन कर रही है, जो सोच रही है कि हम आईएएस में जाना है, तो उन सब छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैम इसमें एक दो कपलेट्स हैं इकबाल के, डॉक्टर इकबाल ने कुछ कपलेट्स हैं उसमें से एक है, वो थोड़ा सा पहले बोल देता हूँ उसका फिर मतलब समझाऊँगा, तो वो कहते हैं कि ए तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती है वो परवाज़ में होता है,
یعنی کہ جو ہیونلی برڈ جو ہوتا ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے, آپ کہیں بیٹھ جاؤ گے تو وہ آپ کی موت ہے, آپ کو کیا کرنا ہے بس آپ کو پرواز اونچی رکھنی ہے اور آپ کو آگے بڑھتا جانا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لائف میں سیٹل ہو جا رہے ہیں کہیں پر, وہ کہہ رہے ہیں بس اتنا کافی ہے, بی ٹیک کر لیا کافی ہے, یہ ان لوگوں کے لیے. اور جو یو پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بس یہی ہے کہ آپ کو اٹس اے میٹر آف ٹائم, اگر آپ اٹیمپٹ دیتے رہیں گے, فوکس رہیں گے اسپیشلی, اور آپ اپنی غلطیوں کو سدھارتے رہیں گے تو ایونچولی آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے ہمارے دوستوں کو ٹائم لگتا ہے, بٹ آئی کین اشور یو کہ جب آپ سلیکٹ ہوتے ہیں تو وہ سارا پے بیک مل جاتا ہے واپس. تو یہ تھے ہمارے ساتھ نوح صدیقی, جامعہ سے 10 رینک لانے والے اور آل انڈیا 326 رینک لانے والے چھاتر, جامعہ کی ریزیڈینشیل کوچنگ اکیڈمی سے انہوں نے کوچنگ کیا ہے. اور جیسے کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے فادر, اپنے پتا کو اپنا پریرنا سروت بتایا اور کس طرح سے محنت کی اور 6 سال سے لگاتار محنت کرنے کے بعد یہ سفل ہو پائے. ہم باقی چھاتروں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے, تب تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. یونیورسٹی سنٹر